तो किसान भाइयों, काफी टाइम बाद महिंद्रा का ये ट्रैक्टर हमारे हाथ में आया, जो कि एम टेक हाइड्रोलिक के साथ में महिंद्रा ने काफी टाइम पहले निकाला था एम टेक हाइड्रोलिक, लेकिन एम के एम मॉडल के अंदर हमारे हाथ में नहीं आया था। यूओ वगैरह के अंदर तो आता ही है, लेकिन एम के एम भूमिपुत्र की बात कर रहा हूँ। तो अभी भूमिपुत्र मॉडल के अंदर भी एम टेक हाइड्रोलिक आ गया और इसका टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे कई सारे किसान है जो की टेस्ट कर रहे हैं, कुछ किसान भाइयों को लेना है वो टेस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोलिक के बारे में आप सभी को पता ही होगा महिंद्रा का, तो अभी एम टेक हाइड्रोलिक इतना परफेक्ट चलेगा। किसान भाइयों, नया महिंद्रा का 275 DI XP प्लस एम टेक हाइड्रोलिक के साथ में, हाइड्रोलिक की कमी थी वो महिंद्रा अभी देखो एम टेक हाइड्रोलिक लेके आया है और किसान भाई चेक कर रहा है। ठीक है, ये देखो कल्टीवेटर, एम टेक हाइड्रोलिक के अंदर क्या है, महिंद्रा का जो हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम था ना, जिन भाइयों के पास है उनको पता है और बाकी बातें आपने सुनी होगी। तो अभी हाइड्रोलिक परफेक्ट कंपनी लेके के आ गई और अभी इसका डेमो चल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या अंतर है वो देखते हैं बाद में। अभी तो इसका नदी के अंदर भी टेस्ट करेंगे, दूसरा ट्रैक्टर के कंपैरिजन में भी करके चेक करेंगे। देखो 275 में अभी दूसरा ट्रैक्टर आना बाकी है, बाकी जमीन आप देखो यहाँ की पूरी रेतीली, बिल्कुल रेतीली जमीन। भाई एम टेक हाइड्रोलिक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, इसको मैंने भी चला के चेक किया, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर चल रहा है। जो कि मैं सिंपल चलाता हूँ, सिंपल हाइड्रोलिक अपना पहले वाला आता था वो, लेकिन एम टेक हाइड्रोलिक काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो भाई एम टेक हाइड्रोलिक के बारे में फुल डिटेल के साथ में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे भी किसान चेक कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, बाद में हम इसका फुल डेमो करेंगे और कौन से ट्रैक्टरों के साथ में कंपेयर करके देखना है इसका हाइड्रोलिक, वो भी आप कमेंट के अंदर बता देना, फुल डिटेल के साथ में हम आपको दिखाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय जवान जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।